नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर से कोरोना का ग्राफ नीचे आने के बाद नवंबर में जैसे ही ठंड बढ़ने लगी, वैसे ही कोरोना के केसेस ने भी तेजी दिखानी शुरू कर दी है। दिल्ली समेत 8 राज्यों में लगातार केसेस में तेजी देखी जा रही है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि देश में वैक्सीन के टीकाकरण के लिए सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और वैक्सीन कब लगेगी इसके लिए SMS भेजकर सरकार जानकारी देगी। वही एक अच्छी खबर ये भी है कि देश में कोरोना से अब तक 86 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही पंजाब में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही मास्क ना पहनने वालों पर चालान की रकम भी दोगुनी कर दी गई है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को होम आइसोलेशन पर हुए एक शोध के बारे में बताएंगे। वैक्सीन कब लगेगी SMS भेजकर बताएगी सरकार। दोस्तों, कोरोना वायरस की 4-4 वैक्सीन का अंतरिम डेटा सामने आ चुका है। वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होने की संभावना प्रबल हो गई है। भारत सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग बना ली है। भारत ने प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। इस हाई प्रायोरिटी ग्रुप में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें SMS के जरिए टीकाकरण की तारीख, समय और जगह बता दी जाएगी। मैसेज में टीका देने वाली संस्था, हेल्थ वर्कर का नाम भी होगा। पहली डोज दिए जाने के बाद दूसरी डोज के लिए भी SMS भेजा जाएगा। जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो डिजिटल QR आधारित एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा जो वैक्सीन लगने का सबूत होगा। अमेरिकी वैक्सीन से सस्ती होगी रूसी वैक्सीन। दोस्तों, रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का एफिशिएंसी डेटा जारी कर दिया गया है। वैक्सीन 95% तक असरदार हुई है। ये वैक्सीन करीब $20 में उपलब्ध होगी जो अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले कम कीमत पर है। वैक्सीन दो तरह के तापमान पर रखी जा सकती है। लिक्विड वैक्सीन को -18 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्रीज ड्राई वैक्सीन को 2 से -8 डिग्री के बीच रखना पड़ता है। कई भारतीय कंपनियां इस वैक्सीन की डोज बनाएंगी। रिसर्चर्स के मुताबिक ये वैक्सीन इंसानी एडेनोवायरस के 2 अलग-अलग वेक्टर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसके चलते इसे मजबूत और लंबा इम्यून रिस्पांस देने की काबिलियत मिलती है। फिलहाल भारत में इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होने वाला है। उत्तराखंड में भी अब बिना जांच के एंट्री नहीं। दोस्तों, दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में कोरोना की रफ्तार बढ़ने पर उत्तराखंड के बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाले सभी लोगों को रोक कर सैंपल लिए जा रहे हैं। टोकन मिलने के बाद ही सीमा में एंट्री दी जा रही है। साथ ही जिन लोगों की टेस्टिंग हो रही है उन्हें टेस्ट रिपोर्ट न आने तक घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। दरअसल सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली और अन्य प्रदेशों में कोरोना से बुरे हालात होने पर प्रदेश की सभी सीमाओं पर सतर्कता फिर से बढ़ा दी गई है। खासकर नॉर्थन बॉर्डर पर सतर्कता अधिक है। यहां सैंपल लेने के साथ ही उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें एक टोकन दिया जा रहा है। देश में कोरोना से 86 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। दोस्तों, देश में कोरोना की स्थिति फिलहाल बेहतर है। 8 राज्यों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में हालात सामान्य हैं। बीते एक दिन में देश में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 44,376 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 481 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक कुल 92,22,217 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 86,42,771 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में सक्रिय मामले फिलहाल बढ़ रहे हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केसेस 4,44,746 हैं। दिल्ली में वैक्सीन नहीं आने तक बंद रहेंगे स्कूल। दोस्तों, दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की माने तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उनका कहना था कि इस वक्त स्कूल शुरू करना बच्चों को कोरोना की तरफ ढकेलना जैसा होगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अभी स्कूल खोलने की परिस्थिति नहीं लग रही है और अभी स्कूल खोलने का मतलब है कि अपने बहुत सारे बच्चों को कोरोना की तरफ ढकेल देना। दरअसल पिछले महीने कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन दिल्ली के हालात को देखते हुए स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब के सभी शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू। दोस्तों, दिल्ली NCR में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अब सभी शहरों और कस्बों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा। पंजाब के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मैरिज प्लेसेस रात 9:30 बजे बंद हो जाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने पर अब ₹500 की जगह ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नाइट कर्फ्यू की 15 दिसंबर की समीक्षा की जाएगी। होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं 94% मरीज। दोस्तों, अगर बेहतर देखभाल मिले तो होम आइसोलेशन में 94% संक्रमित मरीज ठीक हो सकते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कुशल नर्सिंग और फिजिकल थेरेपी मिलेगी तो अस्पताल से छुट्टी के बाद घर में मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकेगा। यह अध्ययन एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन स्टेटस में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण वाले मरीज जब अस्पताल से छुट्टी पाकर घर जाते हैं तो उन्हें कई तरीके की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शोध के जरिए वैज्ञानिकों ने ये समझने की कोशिश की कि किन तरीकों को अपनाकर होम आइसोलेशन में मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ किया जाए। दिल्ली में कोरोना से हालात बेहद खराब। दोस्तों, कोरोना ने देश की राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े टेंशन दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 109 मौतें दिल्ली में हुई हैं। ये लगातार पांचवा दिन रहा है जब मौतों का आंकड़ा 100 से ज्यादा रहा। मंगलवार को दिल्ली में 6,224 नए मामले सामने आए। वहां टोटल केस की संख्या 5,40,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने प्रदूषण को संक्रमण बढ़ने की एक प्रमुख वजह बताया था और प्रधानमंत्री से पराली जलाने के मुद्दे पर दखल की मांग की थी।